क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट है, ठीक है। z माइनस w का कॉन्जुगेट इक्वल है z कॉन्जुगेट माइनस w कॉन्जुगेट, ठीक है। तो पहले हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं, ये कॉन्जुगेट लेने से पहले हम z माइनस w फाइंड कर लेते हैं। पहले z की रकम माइनस w की रकम, वैसे ही आ गई, इसके बाहर माइनस है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो और ब्रैकेट खोली जाए तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। तो ये अंदर माइनस था, क्या हो गया, प्लस। 2 माइनस 5 हो गया माइनस 3, और 3 प्लस 4 क्या हो गया, 7 अयोटा। ये आ गया हमारे पास z माइनस w, ठीक है। अब इसका हमने लेना है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट जब लेंगे तो जो योटा वाला है उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। प्लस है तो क्या हो गया, ठीक है। अब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है z कॉन्जुगेट माइनस w कॉन्जुगेट। पहले हम दोनों के कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं और फिर इसको हल कर लेते हैं। z की रकम लिख ली, इसका कॉन्जुगेट लिया तो ये प्लस था, क्या हो गया, इस तरह w की रकम लिख ली तो कॉन्जुगेट है तो ये योटा वाले का साइन चेंज हो जाएगा। अब हम इन दोनों को माइनस कर लेंगे, ये z कॉन्जुगेट की माइनस ये w कॉन्जुगेट की, बाहर माइनस है, ब्रैकेट जब खुलेगी तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज। 2 माइनस 5 माइनस 3 आ गया, माइनस 4 और माइनस 3 माइनस 7 योटा। ये देखें, इसको 1 कह देंगे जो पहला आंसर आया था, और इसको 2, दोनों इक्वल है ना, तो हम कह देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज प्रूव्ड दैट, क्या प्रूव हुआ है, कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड, ठीक है जी, सिंपल ही था। आगे इसका तीसरा पार्ट है, z w कॉन्जुगेट कट्ठा और फिर z का अलहदा और w का अलहदा। पहले लेफ्ट साइड ले लेते हैं, कॉन्जुगेट लेना है किसका, z और w का। पहले z w फाइंड करते हैं, वो क्या है, मल्टीप्लाई, जैसे हमने पहले इस तरह का सवाल कर लिए हो। 2 के साथ पहले सबको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 योटा के साथ आगे वाली ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 आर 10 और 2 4 आर 8, 3 5 आर 15 अयोटा, माइनस 3 4 आर 12 अयोटा, और अयोटा अयोटा का स्केयर होता है। तो ये दोनों योटा वाली, 15 में से 8 गए तो 7, 12 का 12 योटा स्केयर होता है माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 12 1 आर 12, 10 और 12 22 प्लस 7 अयोटा। ये आ गया जी डब्ल्यू, हमें क्या चाहिए इसका, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट तो लिया ही तो, अब इसके ऊपर कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगी, योटा वाली साइन चेंज हो जाएगी, प्लस है ना तो क्या हो गई, माइनस। अब इसकी राइट साइड है, जी का डब्ल्यू का लहदा लहदा कॉन्जुगेट लें, फिर मल्टीप्लाई करें, जी की रकम डब्ल्यू की रकम, इसका भी कॉन्जुगेट ले लिया। जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो योटा वाले का साइन चेंज हो जाता है, कॉन्जुगेट लिया तो योटा वाले का साइन चेंज हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को 5, 2 को इस पूरी ब्रैकेट से, फिर माइनस 3 योटा को इस सारी ब्रैकेट से, 2 5 दार 10, 2 4 दार 8, 3 5 दार 15, 3 4 दार 12 योटा और योटा योटा का स्केयर। 10 का 10, 15 में से 7, 8 गए तो 7 योटा, ये योटा स्केयर माइनस 1 होता है, माइनस 1 प्लस 12, 10 प्लस 12 22 माइनस 7 योटा। तो ये देखें, ये आपकी यही वाली है, ये 1 हो गई और ये 2. दोनों इक्वल है ना, तो आप कहेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, या मसावत 1 और 2 से साबित हुआ के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। इसमें से पूछना कुछ आगे समझ। चौथा पार्ट, z ओवर w का होल कॉन्जुगेट है और इधर कॉन्जुगेट को डिवाइड किया हुआ है। पहले लेफ्ट साइड ले ली, पहले इसके अंदर वाला हल कर लेना है, z की रकम ओवर w की रकम। इसको हम हल करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया है, 4 वाले सारे सवाल किए हैं, यही रकम ऊपर यही नीचे, ये वाली अगर माइनस हो तो मैंने बताया था कि क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। ऊपर वाली कट्ठी नीचे 4 रकमें हो तो मैंने कल भी बताया था, ये फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का, हाँ जी। तो ये 2 के साथ आगे वाली ब्रैकेट, फिर इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। 2 5 जार 10, 2 4 जार 8, 3 5 जार 15, 3 4 जार 12 योटा और योटा योटा का स्केयर होता है। 25 माइनस 4 का स्केयर 16, ये खोल दी ना ब्रैकेट तो 4 का भी लहदा और अयोटा का भी, 4 का 16 अयोटा स्केयर होता है माइनस 1। 5
15 और 8 23 से योटा, और ये योटा स्केयर होता है माइनस वन, माइनस माइनस प्लस 16, 10 का 10 23 वैसे ही, प्लस माइनस माइनस 12 25 और 16 41 होता है। अब 12 में से 10 निकाल दो क्योंकि दोनों क्या हैं, कांस्टेंट हैं, तो ये आ जाएगा माइनस 2, हाँ माइनस 2 प्लस 23 योटा। अब ये हमारे पास क्या आ चुका है, जी ओवर हमें क्या चाहिए था इसका कॉन्जुगेट, तो पहले 41 को इसके नीचे भी लगा दें और इसके नीचे लैदा कर दें। अब जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये जो योटा वाले है इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये पिछला सारा वही था मल्टीप्लाई वाला, आगे सिर्फ कॉन्जुगेट लिया हमने राइट हैंड साइड। पहले कॉन्जुगेट लें दोनों के, जी की रकम डब्ल्यू की रकम, इसका भी कॉन्जुगेट आ गया, इसका भी कॉन्जुगेट आ गया, फिर इनको डिवाइड कर देना, डिवाइड करके सारा ऐसे हल करेंगे जैसे ये किए, यही रकम ऊपर यही नीचे साइन चेंज कर देंगे, ऊपर वाली इकट्ठी फिर नीचे वाला फार्मूला लग जाएगा, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके तो सारा ऐसे हल कर लेंगे, ठीक हो गया, तो ये भी पीछे की तरह ही हमारे पास आएगा, इसको टू कहेंगे, पिछली को वन कहेंगे, और क्या कहेंगे, फ्रॉम वन एंड टू इट इज प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। आगे क्वेश्चन नंबर का, इसका फाइव पार्ट है सिक्स का, जी की रकम लिखी, जी कॉन्जुगेट ले लिया, अब इसके अंदर दर्ज कर देंगे, ये जी की आ गई जमा ये जी कॉन्जुगेट की आ गई, ये वाली इससे कट गई, टू प्लस टू फोर, टू को टू से कटेंगे तो टू आ गया। तो सवाल में उसने पूछा है, कहा है कि ये रियल है, तो सही कहा, यस इट इज रियल, इट इज रियल, हकीकी अदद है। Z की वैल्यू Z कॉन्जुगेट की इसके अंदर दर्ज कर देंगे और फिर काटा छाटा करके, तो ये सिक्स पार्ट है Z माइनस Z कॉन्जुगेट, Z की रकम Z कॉन्जुगेट में क्या होता है, इसकी साइन चेंज होता है, ये बार मतलब कॉन्जुगेट होता है, Z की रकम माइनस Z कॉन्जुगेट की इसकी इक्वेशन में रख देंगे, ये माइनस है ना तो ये साइन चेंज हो जाएगा, टू टू से क्या थ्री प्लस थ्री सिक्स, योटा 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 से क्या टू थ्री आर सिक्स, तो ये थ्री आ गया, ठीक है।